पटना का वीरचंद पटेल पथ अगस्त दूसरे सप्ताह से ही तिरंगा पथ के नाम से जाना जाता है। आयकर भवन से लेकर आर ब्लॉक चौराहे के बीच यहां तिरंगे झंडे की खूब बिक्री होती है। आपको यह भी बता दें कि इस पथ पर भाजपा, जदयू, राजद, एनसीपी सहित कई पार्टी मुख्यालय भी है। देखिए पटना से कुमार गौतम की यह रिपोर्ट। राजधानी पटना में 15 अगस्त को लेकर एक अलग ही नजारा है और ये नजारा है पटना के इनकम टैक्स से आर ब्लॉक चौराहे के बीच में। चारों तरफ आप देखेंगे कि चारों तरफ झंडा ही झंडा नजर आएगा। ये बिक्री खूब जोरों पर है और इसके साथ ही 15 अगस्त की पूरी तैयारी है और खास करके जो अपील की गई है कि हर घर झंडा लगा हो, शायद यही वो वजह है कि लोगों की भीड़, अपार भीड़, आप जहां तक देखेंगे ये झंडा ही झंडा नजर आएगा, अपने देश का झंडा लहराएगा। तो ऐसे में ये जो तस्वीर है ये यहाँ पर बीजेपी के, जेडीयू के, आरजेडी के, एनसीपी के तमाम दफ्तरों का ये रोड वीरचंद पटेल इन दिनों तिरंगा के रोड से जाना जा रहा है। बहुत सारे खरीदार हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये उत्साह, ये सब कुछ जो चरम पर है वो कितने लोग आ रहे हैं। क्या ये तो गजब ही झंडा वाला रोड दिख रहा है? हाँ, झंडा का रोड दिख ही रहा है सर। नाम बदल दिया जाएगा, एकदम नाम बदल दिया जाएगा और हर घर में झंडा रहेगा छत पे। हाँ, तो आपके पास कौन सबसे कम दाम से सबसे ज्यादा महंगा कितने का? सब क्वालिटी का है, कपड़े पर डिपेंड करता है। हाँ। हर रेंज का है, 300, 400, 50 जैसा लीजिएगा वैसा है, 50 रुपए से लेके 500 तक मोटा मोटी। हाँ हाँ सर, आप जितना महंगा लेना चाहते हैं चाहे जितना सस्ता लेना चाहते हैं सर, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आ जाइए, आप तो लग रहा है कि सर पे भी आप तो तिरंगा का टोपी पहना। हम देश का देशभक्त हैं। अच्छा, तो इसी देशभक्ति पे एक गीत हो जाए। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का उन्न कर प्यार का चमन, इसके आगे प्यार का वतन मेरा मन, मेरा मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का उन्न कर प्यार का चमन, ए वतन, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, तो 15 अगस्त को लेकर जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पे देखने को मिल रही। कुछ और युवा हैं, उनसे भी जानेंगे। ये बताइए कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये बताओ क्या नाम है? छोटे बच्चे तो नहीं बता रहे। इस बार जो हर घर में जो झंडा लहराने की जो बात कही गई, एक अलग प्रभाव? हाँ, अलग तो है सर, इस मरतबा अलग प्रभाव है इसका भी। कल का इसका माहौल कुछ गर्म ही रहेगा इसका। युवा भी हैं जो अपने लिए झंडा ले जा रहे हैं, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग यहीं श्री कृष्णा नगर से हैं। अच्छा, तो इस बार घर पे झंडा फहराना? हाँ हाँ, इस बार घर पे झंडा। लोगों ने भी सोचा? हाँ हाँ, दिमाग है करने का। तो पहले ये प्रचलन नहीं था, अब धीरे धीरे ये कल्चर में आ रहा है कि लोग अपने घर में झंडा फहराते। ये तो नरेंद्र मेरे हैं जो दादा, वो बोले हैं कि सब घर पे झंडा फहराना है, तो वही उसी के कारण हम लोग अभी झंडा घर पे ले जाके फहरा रहे हैं। हर घर में एक तिरंगा रहना चाहिए, तो सेल्फी भी लेना है, अपलोड भी करना है। जाग जाता है तिरंगे के साथ। हाँ, एकदम देश देखना चाहिए कि हम लोग अपने बान है हमारा, एकदम शान है हमारी झंडा। इसी बात पे कोई गीत हो जाए भाई, देश प्रेमी वाला। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, सबसे ऊंचा रहेगा तिरंगा हमारा, सारे जहां से अच्छा। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी के जश्न में न सिर्फ बिहार पटना बल्कि पूरा देश और देश के जो अलग अलग हिस्सों में जो लोग रह रहे हैं वो भी तिरंगे को कितना प्यार करते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। सहयोगी शशि के साथ कुमार गौतम, न्यूज 22 स्कोप पटना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भागलपुरी सिल्क की पहचान को एक नया आयाम मिला है। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है जब भागलपुर के बुनकरों को अन्य राज्यों से लगभग 1 करोड़ के तिरंगे झंडे, तिरंगा साड़ी और तिरंगा अंग वस्त्र का थोक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर से भागलपुर के बुनकरों में हर्ष का माहौल है। भागलपुर सिल्क नगरी के नाम से मशहूर है, यहाँ के अधिकतर लोग सिल्क कारोबार से जुड़े हैं। भागलपुरी सिल्क का डिमांड
केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ गया है। स्वतंत्रता दिवस पर अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, इंदौर समेत अन्य राज्यों से तिरंगा झंडा का ऑर्डर मिला है। युवा बुनकर तहसीन सभा बताते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सीधा बुनकरों को झंडे का ऑर्डर मिला है। यह बहुत बड़ी बात है। बुनकर भी अपना फायदा नहीं देखते हुए तन मन के साथ और गर्व से झंडा बना रहे हैं। भागलपुर में जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से पहली बार ये ऑर्डर आया है कि भागलपुर में झंडा जो डायरेक्ट बुनकरों से लिया जा रहा है, डायरेक्ट वीवर से लिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी और बड़ी बात है। हम बुनकरों के लिए एक खुशी का लहर है। मुझे लगता है कि करोड़ों का जरूर ऑर्डर है इस पूरे क्षेत्र में और सब लोग दिल से मन से हर चीज़ से बना रहे हैं। इसको प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, प्रॉफिट हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग बस ये देख रहे हैं कि गर्व की बात है हमारे लिए कि भागलपुर में ये पहली बार ऐसा है। चूँकि झंडा बनाने का आधुनिक एक से एक मशीन है पूरे देश में, पर उस चीज़ को छोड़कर लोग भागलपुर की तरफ आए हैं और भागलपुर की तरफ एक उम्मीद से, एक जोश से आए हैं कि भागलपुर में इससे अच्छा झंडा और कहीं नहीं बन सकता, सिल्क में इससे अच्छा फ्लो और कहीं नहीं हो सकता है। इस उम्मीद से भागलपुर के लिए, भागलपुर के पास इतना बड़ा ऑर्डर आया है और हम लोग इस ऑर्डर को टाइम से पहले डिलीवरी दे चुके। सासाराम में रोहतास जिला भाजपा इकाई ने आज तिरंगा यात्रा निकाला। भाजपा के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौजूदगी में तिरंगा यात्रा निकाली गई जहां काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी की अध्यक्षता में देशभक्ति गानों के साथ हाथों में तिरंगा लिए भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा में नेहरू पार्क के साथ शहीद भगत सिंह की प्रतिमा से शुरू हुई। दानापुर में खगौल रोड स्थित रंजन पेट्रोल पंप से मगध मोटर स्पोर्ट्स क्लब और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से 3 दिवसीय इंडियन ऑल मॉनसून कार रैली 2023 का आयोजन किया गया है। कार रैली पटना के दानापुर से चलकर नेतरहाट झारखंड तक जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक सह राज्य प्रमुख संजीव कुमार चौधरी और इंडियन ऑयल के RS माथुर ने हरी झंडी दिखाकर कार रैली को रवाना किया। यह रैली 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगी। नौबतपुर होते हुए यह नेतरहाट तक जाएगी। 3 दिन में प्रतियोगिता में भी शामिल किया जाएगा। रैली का मेन उद्देश्य है डिसिप्लिन्ड ड्राइविंग। हम लोग ये डिसिप्लिन कैसे किया जा सकता है और कैसे रोड रूल्स को फॉलो करना है ये रैली में हम लोग सिखाते हैं। हम लोग कंट्रोल्ड ड्राइविंग सिखाते हैं, हम लोग स्पीड लिमिट्स देते हैं, हम लोग रोड साइंस फॉलो करने का ट्यूलिप चार्ट्स देते हैं। तो एक तरह का ये ड्राइवर्स को, जो एंथुजियास्टिक ड्राइवर्स हैं या कॉमन पब्लिक में जो ड्राइवर्स हैं, उन लोगों को मोटर व्हीकल्स एंड रोड रूल्स को सिखाने का ये एक जरिया है। दानापुर में SSB श्रीमती सुवर्णा सजवान कमांडेंट 40वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पटना के दिशा निर्देश में 40वीं वाहिनी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में एकता, अखंडता और देश के प्रति भक्ति की भावना को उजागर करना है। इस अभियान के दौरान 40वीं वाहिनी द्वारा वाहिनी मुख्यालय से लेकर दानापुर रेलवे स्टेशन तक बाइक रैली निकाली गई। तो आपको बता दें कि देश के प्रति भक्ति की भावना जगाने की पहल को देखते हुए सशस्त्र वाहिनी बल द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये भव्य सशस्त्र सीमा बल 40वीं वाहिनी द्वारा दानापुर में ये भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया है। आपको बता दें कि देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए ये पहल देश भर में की जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में तिरंगा अभियान से लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज देश के प्रति भक्ति की भावना को दिखाते हुए इस तिरंगा रैली का आयोजन सशस्त्र सीमा बल के द्वारा किया गया। खबर पश्चिमी चंपारण के रामनगर से है जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से भुवनेश्वर चौक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह यात्रा संपन्न की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, रामनगर विधायक भागीरथी देवी, जिलाध्यक्ष भूपेंद्र तिवारी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य मधुकर रायकी
इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। घर तिरंगा अभियान के तहत बगहा जिले में भी मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से ये यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है और आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में भी हर घर तिरंगा अभियान को देश के विभिन्न हिस्सों में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसी कड़ी में बगहा जिले में भी बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के ढेर सारे कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी अपने बाइक पर तिरंगा लगाए हुए इस रैली में शामिल हुए। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, Accenture, JP Morgan, JPT, TCS, Wipro, ITC, Federal Bank, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।